ये हो गया अभी हमारा सामान, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, केक, बिस्कुट, ये ब्रेड, और ये जूते, ये रेनकोट, और ये लाइट। ले भाई, और यहाँ हमारा टेंट होगी तैयारी। कल की हमारी तैयारी है सुबह 6 बजे की। अभी टाइम हो रहा है अपना शाम का, ठीक है, 6 बज रहे हैं। कल सुबह 6 बजे निकलना है बस यहाँ से। लो जी भाइयों, बाकी पैकिंग करांगे तो वीडियो बनाने की कोशिश करांगे, अगर बनाई गई तो, नहीं तो अपना पैकिंग करने के बाद सोवांगे। सवेरे अपना उठ कर नहा तो होगा जी, जो जैसे भी रहेगा प्रोसेस अपना, निकल जाएंगे यहाँ से। सामान हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सेल्फी स्टिक पे लगा के अपना मोबाइल कोशिश कर रहा था मैं बोलने की, तो आवाज़ आ नहीं रही थी, आवाज़ कम आ रही थी, तो मैंने फिर अपना आवाज़ बंद ही कर दी थी। वॉइस ओवर यहाँ पे मैंने अपना चालू कर दिया था। तो ये हमारा सोनी पतिया भाई था, जैसा कि मैं बोल रहा था, बोला नहीं जा रहा था, वो आवाज़ कम आई थी इसमें। और ये हमारा अन्नी कारसा। तो सामान अपना सारा कंप्लीट होने के बाद हमने अपना पैकिंग वैकिंग कर ली थी। ये भाई भी हमारे साथ वहाँ टर्बो में थे, तो टर्बो में अपना सारा मतलब ये था कि इंडियन लोग थे हमारे साथ, तो बढ़िया अपना तरीके से हमने सामान पैक कर दिया। तो थोड़ा बहुत मैंने अपना कपड़े ऊपर रखने थे अपने, तो वो मैंने अपना जिप वगैरह लगाई नहीं थी, साइड में रख दिया था अपना सारा कुछ, टेंट वगैरह कुछ सामान रह गया था, ज़्यादा सामान था तो ज़्यादा सामान हमने सोचा कि भारी हो जाएगा हमारे पास, क्या उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे, तो हमने कुछ ज़्यादा ना लेते हुए तो हम सामान पैक करने के बाद तो मैं चला गया था नीचे। नीचे शाम के मतलब 7 बज गए थे, तो इंडिया में अपना सुबह का टाइम हो रहा होगा जैसे भी था, तो सब अपना जाग गए हुए थे, तो सब अपना फ़ोन पे लगे हुए थे। देखो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसको भी देखो वही फ़ोन पे लगा हुआ था अपने घर वालों से बात करने के लिए। तो ये भौजी साहब थे हमारे, ये भी अपना भाई बहुत बहुत बढ़िया बंदे थे, तो ये फ़ोन पे लगे हुए थे। ये अपना ये देखो, ये भाई भी नए आए थे, आज ही आए थे मतलब इस दिन दिन में आए थे, रात हो गई थी यहाँ टर्बो में, तो ये भी फ़ोन पे लगे हुए थे। सारे के सारे अपने घर वालों से बातें करने के लिए लगे हुए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में है, तो हमने अपना तैयारी कर ली थी सुबह। सुबह हम पहुँच गए थे, हमें 6 बजे नहीं, 6 बजे से पहले ही हमें अपने डोंकर लेने आ गया था, तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे निकोकली अपना गाड़ी में आए थे हम, वैन में लेके हमें अपना यहाँ पे आया वो। तो हम अपना जैसे ही यहाँ पे आए, हमने अपना थोड़ा बहुत अपना सामान लिया, एक टेंट हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि 4 बंदों पे एक टेंट सही नहीं हमें लगा कि भीड़ वगैरह के चक्कर में, तो हमने यहाँ पे एक टेंट एक्स्ट्रा ले लिया था अपना। फिर हमें किश्ती का वेट कर रहे थे, टिकट हमारी हो गई थी, एक किश्ती दो किश्ती भर के पहले जा चुकी थी जो पीछे आप देख रहे हो, और हमारा नंबर अभी आने वाला था, तो हमने इस चीज़ का वेट करते हुए यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश की। वो देखो देखो जैसे वो जा रही है किश्ती निकल गई थी, तो हम यहाँ पे खड़े होके अपना वेट कर रहे थे कपूरघाना के लिए। कपूरघाना जाने के बाद हमारा अपना पैदल का रास्ता सारा स्टार्ट हो जाता। तो ये यहाँ का मौसम सुबह सुबह का, वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह लेने पर लगे हुए थे हम सब यहाँ पर। सारी हमने पोलोथीन वगैरह ले लिए थे, हमने दो पोलोथीन ले लिए थे ब्लैक वाले, अपना एक बैग के अंदर और एक बैग के बाहर, कपड़े जो थे पोलोथीन में थे और बैग अपना पोलोथीन में रख लिया था, क्योंकि बरसात का मौसम पता नहीं था हमें क्या था क्या नहीं था आगे। और जो हम किश्ती में जाते हैं, समुंदर की लहर वगैरह थी, उससे अपना बैग वगैरह ना भिजे, तो हमने अपना पूरी पैकिंग अपनी तरफ से तो पूरी तसल्ली के साथ हम चले हुए थे जी यहाँ से। तो जाने के बाद आगे की वीडियो आप आगे देखते रहो, कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ। और मैंने बहुत मेहनत से अपना ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जंगल में जाने के लिए हम तैयार हो गए थे कपूरघाना के लिए किश्ती में। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। जो भाई पहली बार इस वीडियो को देखेगा, पहली बार हमारे चैनल पे आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही अपडेट हो साथ के साथ आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो 35 बंदे थे हम किश्ती में आए, तो हम यहाँ पे बैठ चुके थे अपना किश्ती में सारे के सारे। मैं वीडियो की यहाँ पे भी आवाज़ मैंने बंद कर दी थी, वीडियो यहाँ पे आवाज़ मैंने इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, बैकग्राउंड म्यूजिक आता तो कॉपीराइट आ जाता हमारा। तो हम 4 ही इंडियन थे, बाकी जो भी आप देख रहे हो हमारे पीछे, कुछ स्पेनिश थे,
कुछ कोलंबिया के थे, कुछ साउथ के, साउथ कोरिया के थे, जहाँ भी जो भी था मतलब अलग थे। तो हम यहाँ पे देखो ये समुंदर का नज़ारा, तो समुंदर अभी तक तो शांत था क्योंकि किनारे पे था, तो आगे जाके बड़ा ही मज़ा आया समुंदर में किश्ती का। पहली बार मतलब मेरी जर्नी रही समुंदर में तैरने की, किश्ती में बैठ के जाने की। तो आप देख सकते हो धीरे 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 बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिसने यो अमेरिका गया है, जिसने भी मतलब अमेरिका जाने का सोचा है, अगर वो किश्ती में नहीं गया ना तो उसने कोई मज़ा नहीं लिया। हम फुल मज़े करते हुए गए। हमने 3-4 पॉपकॉर्न के पैकेट ले लिए थे अपने यहाँ पे, और लेज वगैरह के ले लिए थे। हम तो मज़े लेते हुए खाते हुए आराम से गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आओ तो अपना बैग वगैरह और कपड़े वगैरह थोड़ा देख के संभाल के पॉलीथीन में डाल के लेके आओ। और यहाँ पे भी भीगने का होता है, कम अपना एक पॉलीथीन अगर एक्स्ट्रा और ले सकते हो तो, बारिश से कह रहा हूँ कि ये जो लहरें हैं समुंदर की लहरों से बचने के लिए आप अपना एक्स्ट्रा कुछ लेके आएं। जब हम यहाँ से चलने लगे थे तो आगे बड़ी ही लहरें आने शुरू हो गई थी। समुंदर का नज़ारा आप देख ही रहे हो, हमारे सामने है, ठीक है। लहरें ये देखो अभी तो शांत थी, धीरे 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 लहरें बढ़ती गई और हम अपना जंगल की तरफ बढ़ते रहे। 3-3.5 घंटे की हमारी ये जर्नी थी समुंदर में किश्ती की, तो सरकारी किश्ती हुई थी हमारी। जब भी हम निकोकली से कपूर घाना के लिए जाएं तो सरकारी किश्ती में ही जाएं, तो ताकि हम सेफ रहें और अपना रास्ता सही से निकले, क्योंकि जो प्राइवेट किश्ती होती है वो पानी भर जाता है उसमें, ठीक है, और जान जाने का भी खतरा होता है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, तो अगली वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।